मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और वो वीडियो चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग जो मेंबरशिप के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, उसमें बस जैन बटन दबाइए, उसके बाद जो पेमेंट प्रोसीड्यूर देता है उसको फॉलोअप करिए तो अपलाप हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, अभी एक एक करके मेंबरशिप ले रहे हैं, बढ़ रहा है थोड़ा, और ऐसे ही होना चाहिए भी। और आज का टॉपिक देखो, अपन क्या बात कर रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये एक कटन रिंग स्पिनिंग प्लांट का एवरेज काउंट 30 काउंट के आसपास का है, और इसका ऑब्जेक्टिव्स देखो मैं बता देता हूँ, टू अचीव टारगेट एफिशिएंसी। अपना जो टारगेट एफिशिएंसी होता है, जैसे देखो अपन क्या काउंट चल रहा है, किस टाइप का मटेरियल चल रहा है, कोम्ड है, कार्डेड है, या मतलब कंपैक्ट है, या एली ट्विस्ट है, या नॉर्मल रिंग स्पिन एन है, उस हिसाब से जो टारगेट एफिशिएंसी अपना दिया जाता है उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर टारगेट एफिशिएंसी आप अचीव नहीं कर पाओगी, आपकी जो कस्टिंग वगैरह हर जगह आपकी दिक्कत हो जाता है, मतलब अपन को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहता अगर एफिशिएंसी कम आता है। समझ लो मिल का मालिक जो है करोड़ करोड़ रुपया लगा के मिल लगा रहा है, अगर अपन एफिशिएंसी कम देंगे और उसमें अपना मतलब प्रॉफिट नहीं रहेगा तो फिर मिल मालिक भी सोचेगा क्या चलाना है, एफिशिएंसी कम आ रहा है। तो उसको ऐसे टाइम नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से अपन को एफिशिएंसी इसीलिए बढ़ा के देना पड़ता है बढ़िया से चला के। उसको कैसे बढ़िया करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं देखो। और वो अफेक्ट फाइनल यान कष्ट वही बताया, जो आपकी जो एफिशिएंसी अगर कम रहेगा, जैसे आपकी मटेरियल उतना ही लग रहा है, आदमी उतना ही लग रहा है, बिजली का बिल आता है और वो बिजली बिल का जो फिक्स्ड अमाउंट एक रहता है इतना लाख महीने का देना, वो भी देते हैं, और वो अपना कैपिटल जो रहता है जो उसका भी अपना ब्याज वगैरह आता है, सारी चीज़ें अपना गड़बड़ा जाता है अगर एफिशिएंसी कम आता है। फाइनल यान कॉस्ट को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स यूकेजी ऑफ प्लांट। प्लांट का यूकेजी आपको मालूम होगा, जितना प्रोडक्शन आप पैक्ड प्रोडक्शन होगा और उसी हिसाब से कितना बिजली खपत हुआ तो यूकेजी आएगा। मेरा एक वीडियो है यूकेजी के बारे में, इसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अफेक्ट्स वेजेस और सैलरी पर केजी, वो ऑब्वियसली ये भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि समझ लो आपकी एक एग्जांपल बताता हूँ, एक अपना 95% एफिशिएंसी में अपना प्लांट का प्रोडक्शन आया, समझ लो 15 टन आया, ठीक है। अगर अपना 95 के जगह अपन समझ लो 85 आ गया तो उसी हिसाब से ये कम आ जाएगा, समझ लो 14 टन आ गया। लेकिन 14 टन में आ गया तो वर्कर उतना ही लगे, स्टाफ उतना ही लगे, तो कुल मिला के 14 टन प्रोडक्शन आ गया, 1 टन घट गया तो अपना वेजेस पर केजी, सैलरी पर केजी बढ़ जाएगा, तो उसमें भी अपन को लॉस होगा। वो सब यान कॉस्टिंग में ऐड हो जाता है, मतलब अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ यान टू प्रोड्यूस, वो जो एफिशिएंसी कैसे टाइप ऑफ यान ऊपर की डिपेंड करता है। समझ लो आपने होजरी काउंट चला रहे हो, उसमें क्या होता है कि अपना टीएम कम लगता है, टीएम कम लगने से क्या होता है तो अपना एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी का कलम में ट्विस्ट कंट्रैक्शन जो लिखा रखा, वो जितना टीएम ज़्यादा रहेगा ट्विस्ट कंट्रैक्शन उतना बढ़ जाएगा, तो एफिशिएंसी घट जाता है। तो उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ यार्न टू प्रोड्यूस, समझ लो फैंसी यार्न बना रहे, स्लब यार्न बना रहे, या कोई ये बना रहे मतलब लीलन बना रहे, हेम बना रहे, फैंसी यार्न बना रहे, तो उसमें क्या एफआरएस वगैरह कम रहता है, स्पीड कम रहता है,
स्पीड कम रहने के कारण उसी हिसाब से फिर अपन को एफिशिएंसी वगैरह देखना पड़ता है, मतलब उसका वर्किंग अलग रहता है उसका। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। समझ लो एक 30 काउंट आप चला रहे हो LRA कटर में चला रहे हो या J34 से आप चला रहे हो, और मैं बोलूँगा नहीं ये 30 काउंट अपन शंकर 6 में चलाएंगे या MCU5 में एक 30 काउंट चलाएंगे वाला, तो उसमें बहुत अंतर रहेगा। इसमें वर्किंग बहुत बढ़िया रहेगा। वर्किंग बढ़िया रहने से रहने के बाद क्या होता है, बंडा कम बनेगा और अपन TM कम दे सकते हैं, और इसमें अपना वर्किंग बढ़िया रहेगा, ऑटोकॉनिक कट्स वगैरह कम रहेगा, हार्ड वॉश भी कम आएगा। तो कुल मिला के अगर कटन का वैरायटी आपकी चेंज हो जाता है उसमें भी आपकी एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। तो कटन का वैरायटी भी डिपेंड करता है, वो डिपेंड्स ऑन होजियरी वार्फ कंपैक्ट एरी ट्विस्ट मैनमेड या फेंसियल। ये जो तीन चार पाँच प्रकार का बताया, जो होजियरी है TM कम रहेगा उसके हिसाब से एफिशिएंसी आएगा, वार्प है TM ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से एफिशिएंसी आएगा, कंपैक्ट एली ट्विस्ट इसमें सब TM बहुत कम रहता है उसमें एफिशिएंसी बढ़िया आता है, बढ़ के आता है क्योंकि उसमें अपना ट्विस्ट कंट्रैक्शन कम हो जाता है। मैनमेड में बिल्कुल कम TM रहता है उसमें भी एफिशिएंसी बढ़ के आएगा, फैंसी वाला मैन में TM ज़्यादा जाता है। TM ज़्यादा जाने के कारण जैसे आप जैसे नॉर्मल ट्विस्ट पे समझ लो 3.7 3.3 से 3.8 4.4 ऐसे रहेगा, तो ये नॉर्मल यान में रहता है। तो फैंसी यान में 5.5 का TM 5.6 TM 5.4 TM ये रहता है फैंसी यान में। तो ये फैंसी यान में जब इतना TM देंगे तो ट्विस्ट कंट्रैक्शन जो 3.2 लिखा ना डायरेक्ट 4 के ऊपर आ जाएगा, 4.5 के ऊपर आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपकी एफिशिएंसी भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिपेंड्स ऑन मशीनरीज प्रोवाइडेड, मतलब मैनुअल रफिंग या ऑटो रफिंग ये भी देखो। मशीनरीज प्रोवाइडेड समझ लो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, मतलब बिल्कुल ऑटो रफिंग प्लांट है, हर जगह ऑटोमेशन है, तो उस केस में आपकी हर जगह का एफिशिएंसी बढ़ के आएगा। समझ लो पुराना जमाने का मशीन है, अंग्रेज टाइम का मशीन है, तो उसमें हैंड डफिंग करते बहुत टाइम हर्जा होता है और उसमें दिक्कत जाता है, इसीलिए एफिशिएंसी का उसका टारगेट अलग हो जाता है। मैनुअल डफिंग वाला ऑटो डफिंग वाला में एफिशिएंसी का टारगेट अलग हो जाएगा। और डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न वेदर कोर्स और फाइल, वो काउंट पैटर्न के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एफिशिएंसी, देखो काउंट पैटर्न के ऊपर इसीलिए डिपेंड करेगा। मेन मुद्दा रहेगा डफिंग लॉस, डफिंग लॉस जो होता है समझ लो एग्जाम्पल आपकी 30 काउंट में मैंने लिखा 30 काउंट में अपना डफिंग लॉस 1.8% लिखा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 30 के जगह अपन 64 काउंट कर देंगे ना इसको, तो इसमें 1% आ जाएगा, तो कितना 0.8 का फर्क पड़ गया। और 30 काउंट की जगह अपन समझ लो 12 काउंट बनाया, 12 काउंट में ये 1.8 की जगह 3.5% आ जाएगा, तो ये जो डफिंग लॉस हो जाएगा वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा एफिशिएंसी को। तो काउंट पैटर्न के ऊपर की ऊपर भी डिपेंड करता है अपना एफिशिएंसी। उसके बाद देखो दूसरा चीज़ क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन यान ब्रेकेज या एंड डाउन, वो कैसे होता है। यान ब्रेकेज जैसे अपना रिम फ्रेम का स्टैंडर्ड ब्रेकेज अपन मानते 3.5% मानते हैं नॉर्मल काउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक जाता है। जैसे आपको पता है एली ट्विस्ट में 2% ब्रेकेज बहुत बढ़िया बोलते हैं, 2 से ऊपर नहीं जाने देते, कंपैक्ट में वही 2.5% तक रहता है। तो ये सब चीज़ में क्या होता है, ब्रेकेज रेट जहाँ कम रहेगा तो ए वाला पॉइंट अफेक्ट करेगा। देखो निमाफिल बोंडा ये कटन है करके 2% लिया, समझ लो बिल्कुल आपकी फाइन काउंट चल रहा है या कंपैक्ट चल रहा है या एली ट्विस्ट चल रहा है, उसमें आपकी बोंडा का परसेंटेज कम हो जाता है। बोंडा की परसेंटेज कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी आपका अपना आप चेंज हो जाएगा। तो इसका डिपेंड करता है ब्रेकेज रेट पर रिंग फ्रेम एंड एंड डाउन परसेंटेज। डिपेंड्स ऑन स्किलनेस ऑफ वर्कर्स, समझ लो आपके वर्कर बहुत बढ़िया है, पीसिंग गेटिंग बहुत अच्छा स्पीड है, तो उनका पेट्रोलिंग टाइम कम हो जाएगा, तो
तो पेट्रोलिंग टाइम कम हो जाएगा, तो फटाफट वो धागा लगाते रहेंगे, धागा एंड बेंडिंग टाइम कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब वेस्ट नहीं होने देंगे, लिमाफिल बंडल ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे अच्छा कारीगर होते तो। वो डिपेंड्स ऑन प्रोसेस सेटिंग ऑटो कॉर्नर कट्स ऑल्सो। प्रोसेस सेटिंग मतलब आपकी ड्रॉप फ्रेम, सिंपलेस, रिम फ्रेम, हर जगह अपने प्रोसेस में बराबर गेज रखा, ब्रेक ड्राफ्ट रखा, स्पेसर रखा, ये सारी चीज़ रखा, तो फिर उसमें वर्किंग बढ़िया रहेगा। वर्किंग बढ़िया रहेगा तो ऑटोकोर में कट्स कम आएगा, ऑटोकोर में कट्स कम आएगा तो हार्ड रोस्ट का भी फिगर आपकी चेंज हो जाएगा। तो प्रोसेस सेटिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, वो अगर बढ़िया रहता है तो हर जगह का वर्किंग बढ़िया रहता है। और डिपेंड्स ऑन अलर्टनेस ऑफ जॉबर एंड सुपरवाइजर। और एक चीज़ देखो, जॉबर सुपरवाइजर जो होता है अपना मतलब स्पिनिंग मिल का बिल्कुल प्रोडक्शन का जैसे मैनेजमेंट का कड़ी जैसा, वर्कर और टॉप मैनेजमेंट का कड़ी जैसा, ब्रिज जैसा काम करते हैं, वो अगर अलर्ट रहते तो डफिलस नहीं होने देते, बंडा ज़्यादा नहीं बढ़ने देते और हार्ड रोस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो सारी चीज़ अलर्ट रहेंगे तो ये सब चीज़ कम होगा। वो ट्विस्ट कंट्रैक्शन जो है उनके हाथ में नहीं है, वो आप कितना टीएम यूज करते हो उसके हिसाब से ट्विस्ट कंट्रैक्शन आएगा। जो चीज़ कंट्रोल कर सकते ये वाला चीज़ कर सकते और वो लोग अलर्ट रहेंगे, सब कुछ संभव हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मैन पावर डिप्लॉयमेंट इन टाइम। ये एक चीज़ है देखो, जैसे समझ लो आपकी शिफ्ट चेंज 8 बजे, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 8 बजे का आपकी शिफ्ट चेंज का टाइम है, आपको रिम फ्रेम में चाहिए 40 आदमी, ठीक है। अगर 40 आदमी आए तो क्या होगा, 30 आदमी आए तो 10 आदमी कम है, समझ लो वो लेट आए तो मशीन में लगते लगते मशीन जाम हो गया, कोई डब गिर के बंद हो गया, वो हो गया, तो ये सब चीज़ का झमेला रहेगा अगर 10 आदमी अचानक कम पड़ गया। समझ लो 40 ही जाएगा, 38 आ गया, 37 आ गया, चल जाएगा, लेकिन 30 आ जाएगा कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। तो डिपेंड्स ऑन मैन पावर डिप्लॉयमेंट इन टाइम। तो शिफ्ट चेंज की 5-10 मिनट के अंदर जो अपना रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ उतना हो जाना चाहिए। कभी कभी ये होता है, इसका उल्टा सोचिए, समझ लो कभी कभी आपकी 40 की जगह 60 आदमी आ गए, तो उस केस में क्या होगा, देखो 40 की जगह 60 आदमी आ गया, 20 आदमी ज़्यादा हो गया, किसको रखे किसको भगाए वो सोचते सोचते मशीन जाम हो जाएगा। आज 20 आदमी सोचेंगे मेरे को रिटर्न दे दो मैं घर जाता हूँ, और कोई बोलेगा अरे मेरे को छुट्टी दे दो मेरे को घर जाता हूँ, वो झमेला में पड़ते 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 आपकी रिम फ्रेम बंद हो जाएगा और आदमी ज़्यादा खड़े हो जाएंगे, तो ये भी अपने लिए बहुत खतरनाक है। तो कुल मिला के आदमी उतना ही रखो जितना अपना टारगेट आदमी टारगेट मैनपावर रहता है उस हिसाब से सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से आए, ज़्यादा नहीं आए कम भी नहीं आए, दोनों चीज़ अपने लिए खतरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट सेटिंग ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज। ये जो चीज़ बताया ना मॉनिटरिंग करना, डिपार्टमेंट सेटिंग जो मॉनिटरिंग करना है शिफ्ट चेंज के टाइम में, कौन सा आदमी कहाँ लगाना क्या करना, वो सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शिफ्ट चेंज के टाइम में जॉबर सुपरवाइजर तो रहते हैं, उसके अलावा स्पिनिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जीएम कभी कभी शिफ्ट चेंज में खड़ा होना पड़ता है कि लड़के टाइम पे आए नहीं आए, आए तो लगे नहीं लगे, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके तुरंत इनको लगाने का काम पे। और देखो 2 आवरली हैंग चेकिंग और स्पीड चेकिंग, एरिया चेक, ढोल चेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2-2 घंटे का पाइल लेना, प्रोडक्शन लेना और स्पीड चेक करना। समझ लो आपने 2-2 घंटे का पाइल नहीं लिया या स्पीड चेक नहीं किया, रिम फ्रेम का एक मशीन का टारगेट स्पीड समझ लो 18,000 RPM है, तो आपने 2 घंटे का पाइल नहीं, जो स्पीड नहीं लिया, तो ये मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में है, और आपको 6 घंटे के बाद मालूम पड़ा ये 18,000 की जगह 12,000 चल रहा है, तो आपके कितना लॉस हो गया। देखो 18,000 की जगह 12,000 चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में बिल्कुल बॉबिन सब बॉबिन बन रहा है, तो ये कैसे पकड़ में आएगा।
जब आप दो दो घंटे का हैंग लोगे, प्रोडक्शन कम आएगा मालूम पड़ जाएगा, या स्पीड चेक करोगे स्पीड कम चल रहा होगा। अभी क्या आजकल के टाइम पे क्या होता है, लड़के बहुत ज़्यादा कारीगर पहले अनपढ़ रहते थे ज़्यादा, अभी लेकिन बहुत पढ़े लिखे आ गए, तो वो क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में कुछ सेट करोगे ना स्पीड वगैरह, वो छुप छुप के देखेंगे कैसे कर रहा है, फिर वो भी उंगली करना चालू करेंगे। आप स्पीड बढ़ा कर रखो कि 18,000, थोड़ी देर के बाद देखोगे वो 15,000 12,000 ऐसे कर देते हैं। तो ये सब चेक कैसे होगा, दो दो घंटे का चेक करोगी तब आपको मालूम पड़ेगा कौन सा मशीन में स्पीड टेम्परिंग हुआ, फिर उसके लिए आप कार्रवाई करोगी, समझाओगी, मोटिवेट करोगी या डांटोगी, तब जाके वो लाइन पे आएंगे। एक बार में नहीं आएंगे, 8-10 बार समझाओगी तब वो लाइन पे आएंगे। और ऐसे ढूल चेक करना क्यों ज़रूरी है, समझ लो आपकी कप कंटेंट 58 ग्राम का आना चाहिए, 58 ग्राम का, ठीक है, आपकी रैचेट होल जो चलना चाहिए उस हिसाब से 58 ग्राम आता है। कारीगर क्या करता है, उनका टेंडेंसी रहता है डब हल्का कर देते हैं, ऐसे रैचेट घुमा देते, रैचेट घुमा देते क्या होता है, तो रैचेट समझ लो आपकी 28 पे चलना चाहिए, एक बार एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 28 टीथ पे रैचेट चलना चाहिए, वो क्या करेंगे 28 की जगह 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, तो क्या होगा, बॉबिन ऐसे नली जैसा पतला सा बन जाएगा, 58 ग्राम की जगह आ जाएगा आपकी 35 ग्राम, तो ये क्या होगा, डब जल्दी आ जाएगा, डब जल्दी आ जाएगा तो आपकी प्रोडक्शन घट जाएगा, स्पीड मतलब बॉटम का स्पीड तो उतना ही चला, फ्रंट में स्पीड कम हो गया क्योंकि 35 ग्राम में डब गिर गया। तो रैचेट होल चेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी चेक करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद रहेगा। वो स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड लॉसेस क्या क्या होता है, ट्विस्ट कंट्रैक्शन मैंने 3.2% पकड़ा, ये जो 30 काउंट एनी का पकड़ा मैंने, एक ये मिलान यूनिट का है, मतलब वो होजेरी काउंट बनता है, इसीलिए अपन इसको 3.2 पकड़े, कहीं कहीं वर्फ काउंट चलाओगे तो कटन में 3.5% पकड़ेंगे। अगर आप एली ट्विस्ट वगैरह चलाते हो उस केस में आपकी काम रहेगा, कंपैक्ट में काम रहेगा कंट्रैक्शन, और मैनमेड फाइबर में भी काम रहेगा। और डफिंग लॉस देखो 1.8% पकड़ा मैंने, और जैसे ये मतलब कोर्स काउंट होगा डफिंग लॉस बढ़ जाएगा, फाइन काउंट होगा कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपन टारगेट फिक्स करते एफिशिएंसी का। न्यूमोफिल बंडा मैंने 2% पकड़ा, समझ लो आप सिंथेटिक चला रहे हो कम आ जाएगा, और समझ लो आपके बिल्कुल ख़राब कटन दे रखा, अच्छा कटन नहीं डाला तो 2 की जगह 3% आ जाएगा, 3.5% आ जाएगा, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सारी पॉइंट जो दिया ना इसको बारीकी से पढ़िए और इसको समझिए, उसी का ऊपर है। न्यूमोफिल कटन का न्यूमोफिल बंडा कितना 2% लिया, हार्ड वेस्ट वो वर्किंग का ऊपर है, आपकी वर्किंग रिम फ्रेम में सही है, ऑटोको में सही है, कार्ड्स लेवल सही है, तो हार्ड वेस्ट आपकी कम आएगा। टोटल लॉसेस आया 7.65%, 7.65% जो लॉसेस आया वो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितना है, 100 - 7.65, 92.35%। ऐसे आपकी जैसे कोर्स काउंट जैसे होता रहेगा एफिशिएंसी और घटता रहेगा क्योंकि डफिंग लॉस बढ़ जाएगा। ये देखो गाइडलाइन लिखा मैंने, इसको मतलब निशान लगा के ले रखा, आप इसको नोट कर लीजिए, TM हाई, ये RO ऐसे दिया मतलब हाई, तो ट्विस्ट कंट्रैक्शन हाई, TM ज़्यादा रहेगा ट्विस्ट कंट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, काउंट हाई, काउंट मतलब नंबर, जैसे 30 के जगह हम 60 काउंट लें, काउंट इसको हाई बोलते हैं, मतलब लाइटर साइड, काउंट अगर लाइटर साइड है तो डफिंग लॉस लो, ये निशान लगा। और ब्रेकेज हाई, न्यूमोफिल फैन वेस्ट हाई, और कार्ड्स पर 100 किलोमीटर ज़्यादा है तो हार्ड वेस्ट भी ज़्यादा आएगा, कोर्स काउंट होगा लेस एफिशिएंसी आएगा, कोर्स काउंट होगा एफिशिएंसी घटता रहेगा, और फाइन काउंट होगा एफिशिएंसी बढ़ता रहेगा। और ये रिम फ्रेम एफिशिएंसी का ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरा, इसके बारे में देखो मतलब डफिंग लॉस के बारे में एक वीडियो है वो देखिएगा, हार्ड वेस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी देखिएगा, ट्विस्ट कंट्रैक्शन का भी एक वीडियो है, ये सारी चीज़ आप देखोगे डिटेल में जाओगे, UKG का बताया था, UKG का ऊपर भी है,
और OJS पर KG, सैलरी पर KG उसका ऊपर भी है। ये सारी चीज़ रेफर करके आप देखना, वो बारीकी से समझना कि रिमब्रम एफिशिएंसी अपन कैसे बढ़ाएंगे। और आज का वीडियो इतना में मैं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा मेरे को यूट्यूब में मैसेज दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।